डॉक्टर हियर मी आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल अबाउट योर प्रॉब्लम अनम्यूट करें हेलो हाँ बोलिए आई एम श्रनाथ मोंटो Uh, from West Bengal. Uh, I'm staying uh, very near to Kolkata city and I am working as a professor in a uh, central government institution. So I have applied so many things. Uh, uh, I also do some practice from Samiji's uh, uh, YouTube. Okay. For the after using this one, some relaxation I already feel okay so okay okay <laughs> right <laughs> Let, let's come to the problem so the the function inside your body is not very smooth so the there is there is a deviation of function or the function is half haphazard it is called a samana dosha how you feel it you'll feel it in your mind it never stays in rhythm so, it's always jumping here and there. Now, uh, because of that, what happens? The body gets into a risk kind of a situation. If there is no rhythm in functioning inside the body, the body gets into risk and that creates adrenal fatigue. What is that? Uh, adrenal fatigue basically is a risk mitigating mechanism of your body. Your body is always trying to reduce the risk so this is adrenal overactivity or adrenal fatigue where uh, sometimes a person might get into anxiety situation. there are people who get into anxiety attacks. there is always kind of a uh, the thought process in the mind keeps happening. you can't stop it. there are people who will get insomnia. Uh, they'll not be able to sleep at the right time or uh, getting into sleep will be difficult moreover uh, uh, if you look into future your mind will always think about what happens if whatever you want doesn't happen the way you want it doesn't happen then what will happen so a negative thought process uh, automatically it comes it's so, a samana dosha it is called as samana dosha

सर लाइक like uh, तो और हाँ बोलिए तो सर अपना प्रॉब्लम बताइए प्रॉब्लम सर सच डायबिटिक पेशेंट तो मैं डायबिटिक टू पेशेंट हूँ लास्ट सिंस लास्ट टेन इयर्स और एलोपैथिक uh, मैं ले रहा हूँ बट लास्ट दो तीन साल से uh, मतलब स्वामी जी का वीडियो uh, मतलब वाच किया हूँ uh, कुछ कंटिन्यू कर रहा हूँ कुछ योगा कर रहा हूँ शुगर लेवल कंट्रोल में इज वन कंट्रोल बट आ, क्योंकि अभी मैं स्वामी जी का वीडियो से आ, काफी इंस्पायर हूं सर मतलब मैं पर्सनल फीलिंग्स दैट तो इसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूं बट एक एक क्वेश्चन जो है अभी भी आ, मतलब मेरा मन में है क्योंकि मैं मैं बिलोंग्स करता हूं और वहां पे मतलब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डायबेटोलॉजिस्ट है मैं लास्ट 10 साल से ऑलमोस्ट सब से मैं कंसल्ट कर चुका हूं एवरीबॉडी सब मेरे को यही बताता है सर इट इज नॉट क्यूरेबल मतलब मेरा ये क्वेश्चन जो है अभी भी खा रहा है बट स्टिल आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट स्वामी जीडियो दैट इट इज क्यूरेबल सो कोई क्वेश्चन नहीं है हम जस्ट इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं और uh, एक लिटिल बिट टाइमिंग थोड़ा सा मेरा डिफ्लेक्ट कर रहा है चूंकि मैं say, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ अभी मैं इंडिया से बाहर हूँ और मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है

आपको आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट लगती है वो आपके ऊपर है कि आप करना करना है कि नहीं करना लेकिन एक बात बताइए अगर कोई इंसान सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है लेकिन जो आँख बंद करके पड़ा हुआ है उसको कैसे जगाओगे उसको तो आप जगा नहीं सकते तो अगर डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा कह रहे हैं तो वो बेसिकली देख कहाँ रहे हैं देख रहे है शुगर लेवल की तरफ में अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि भूल जाओ शुगर लेवल आपका इन्फेक्शन होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा चोट लगेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगा न्यूरोपैथी रिकवर होना शुरू हो जाएगा ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा किडनी आपका खराब नहीं होगा ऐसा कुछ मिल जाए तो आप करेंगे नहीं करेंगे फिर आपको डायबिटीज है कि नहीं ये बताओ तो अगर आप केवल शुगर लेवल देख रहे हैं तो, तो कई कारण से हो सकता है यही बात हम वेबिनार में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डायबिटीज अगर गलत जगह देख के आप उसे ठीक करने की कोशिश करोगे तो ठीक होगा ही नहीं सौ साल में कोई प्रूफ है ही नहीं फिर भी तो आप वहां जाके जो डायबिटीज ठीक नहीं करते आप उनके पास लाइन लगा के जाते हो कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं ना वो तो ठीक नहीं करते वो तो बोल रहे हैं कि ठीक अरे वो वो गलत बोल रहे हैं बोल रहे हैं ठीक नहीं होता दवाई से ठीक नहीं होता वो फिल्डर ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी मार्केटिंग है वो दूसरे को देखना भी नहीं वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के पास में जाओ जीना है तो भी डॉक्टर के पास जाओ मरना है तो भी डॉक्टर के पास जाओ अच्छा खराब जैसे होना है आप डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए वही धंधा करेंगे आपका आपका कमाए पैसा वही लेंगे ऐसा सिस्टम बना दिया एक्चुअली अस्सी परसेंट बीमारी तो सौ साल में कोई एक एक भी प्रूफ नहीं कि Actually, है कि ठीक होता है एक्चुअली वो बीमारी है ही नहीं बीमारी को गलत डिफाइन कर रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं ठीक नहीं तो ये तो मार्केटिंग गिमिक है ये तो मार्केटिंग भी नहीं कही आप तक आज तक नहीं समझ पाए ये तो फिरंगियों की चाल है वो आपको अब सामने से गुलाम नहीं बना सकते या फिर आपके राज नहीं कर सकते तो पीछे से कर रहे आप तो बीमार हुए हो इसलिए क्योंकि आपने दवाई खाया है बचपन से बहुत सारी चीज है इसके अंदर मगर यही मैं बताने की कोशिश कर को रहा हूं मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आप समझ जाओगे हाँ लेकिन दस साल के बाद में ये बातें सभी बोल रहे होंगे तब आपको याद होगा कि एक बंदे ने तो बोला था बहुत पहले बोला था लेकिन तब तक आपकी स्थिति क्या होगी ये आपको सोचना है यह आपको सोचना है दस साल में जब आप एक गोली से कहां तक पहुंच गए हैं सबको मालूम है ना एक गोली से शुरुआत हुई थी कहां तक पहुंच गए आपने डॉक्टर से पूछा क्यों नहीं मेरी तीन जनरेशन पहले तो किसी को डायबिटीज नहीं था मुझे कैसे हो गया आप जेनेटिक बोल के आप मजे ले लेते हो तो मैं क्या कि, किसी एलियन हूं क्या क्या दूसरे ग्रह से आया हूं मैं अपने पूर्वजों की संतान नहीं हूं क्या तीन जनरेशन पहले कहीं डायबिटीज नहीं था ना किसी को भी आपके परदादा को डायबिटीज था क्या नहीं था मगर बोलेंगे जेनेटिक है जी तो मतलब या तो आप एलियन हो एलियन हो क्या आप दूसरे ग्रह से आए हो नहीं आए ना तो बहुत बातें हैं ये जो पहली बात आपको समझना चाहिए एलोपैथी जो है वो साइंस नहीं है है ना वो खुद ही बोलते हैं कि ये साइंस नहीं है मगर आप जबरदस्ती उसको साइंस बनाने में लगे हुए क्यों क्यों साइंस बना रहे हो एलोपैथी को जब वो खुद बोल रहे हैं कि साइंस नहीं है ये तो सूडो साइंस है आप क्यों बन डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो आपका शरीर क्या केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था कोई प्रूफ है लाखों सालों का ह्यूमन हिस्ट्री है कोई प्रूफ है कि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था नहीं तो पेड़ पे केमिकल लगते ना मेटफॉर्मिन लटका होता तोड़ तोड़ के खाते रहते नहीं है ना आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन तो इसमें केमिकल डालना कितनी समझदारी है बता दो इसको साइंस भी बोलते हैं ऊपर से साइंस टैग लगाना मार्केटिंग गेमिक है एलोपैथी में साइंस जैसा कुछ भी नहीं है उसी की वजह से आप बीमार हुए हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं दो साल तीन साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं डायबिटीज बढ़ रही है दुनिया में आपको आंखें खोलना पड़ेगा आपको वापस से भारतीय बनना पड़ेगा क्योंकि भारतीय मानुषी सबसे समझदार होती है पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते हार्वर्ड का रिसर्च है पढ़े लिखे लोगों की बात ही मानते हो आप यानी मूर्खों की बात मानते हो आप आपके पास भी समझ है विजडम है उसको इस्तेमाल कीजिए अब आप देखिए आपका शरीर डिजाइन हुआ है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेकिन इसको आपको काम करने देना पड़ेगा ये बिचारा फीवर क्रिएट करता है वायरस को मारने के लिए आप फीवर डाउन कर देते हो ये उल्टी करेगा उल्टी बंद कर दोगे ये दस्त करेगा दस्त बंद कर दोगे ये दर्द करेगा दर्द को काट दोगे शुगर ज्यादा बढ़ेगा तो क्या वो बढ़ा ही रहता है किसी का देखा हजार शुगर पहुंच गया लाख पहुंच गया देखा किसी का अगर 200 भी है तो नीचे आ जाएगा वो थोड़ी देर बाद में है कि नहीं है कौन लाता है ये शरीर लाता है ना तो इसको एम्पावर करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है मगर शुगर ब्लड में वो डायबिटीज है ही नहीं अब आप वहां आपको दिखा रहे हैं कि देखो तो ये डायबिटीज और ये ठीक नहीं होता तो गलत जगह दिखा रहे हैं आपका शरीर का भोजन इस्तेमाल करने की क्षमता अगर कम हो गई तो डायबिटीज है वो क्षमता आप बढ़ा सकते अगर डायबिटीज का डेफिनेशन हम चेंज कर दें तो डायबिटीज तो खट से ठीक हो जाएगा मगर दवाई से फिर भी नहीं होगा चाहे कोई दवाई हो केमिकल हो चाहे जड़ी बूटी हो चाहे कुछ भी हो आपका शरीर आपका शरीर ही ठीक करता है बाकी सब सपोर्ट है सपोर्ट थोड़े समय के लिए लेना चाहिए जिंदगी भर के लिए सपोर्ट लेने का मतलब आप अपाहिज हो गए एलोपैथी ने दुनिया को अपाहिज बना दिया है अभी भी आंखें नहीं खोल रहे हम डायबिटीज का डेफिनेशन ही गलत है उनको तो मालूम ही नहीं है डायबिटीज क्यों होती है अरे डायबिटीज क्या उनको 80 परसेंट प्रॉब्लम क्यों होती है मालूम ही नहीं ब्लड प्रेशर क्यों होता है हार्ट डिजीज क्यों होता है थायराइड क्यों होता है ऑटो डिजॉर्डर क्यों होता है Rimetide क्यों होता है या यात्राइटिस क्यों होता है अस्थमा क्यों होता है मालूम ही नहीं है दुनिया में वही लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिनको मालूम ही नहीं है बीमारी क्या होती है क्यों हो रही है आप गूगल करके देख लो आपको भी पता चल जाएगा उनको मालूम ही नहीं क्यों होता आप बोलो डायबिटीज क्या होते तो बोलेंगे अरे हो सकता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा वो क्यों हो गया क्योंकि मिस सिग्नलिंग हो रही है लेप्टिन की मिस सिग्नलिंग हो रही है वो क्यों हो गया जी इतना मत पूछो इतना ही मालूम होता तो सबको ठीक कर देते हम हमें नहीं मालूम क्यों आखिर में यहीं पे आ जाएंगे आप गूगल में भी ढूंढेंगे तब भी यहीं पे आएंगे डायबिटीज क्यों होती है मालूम नहीं और ये हर एक बीमारी के लिए और लाइन लगा के जाते हो उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जिनको मालूम ही नहीं बीमारी क्यों हो रही है क्या कमाल की बात है इतना मूर्ख तो इंसान कभी हुआ ही नहीं था लाखों सालों की हिस्ट्री में आप उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हो जिनको मालूम ही नहीं कि बीमारी क्यों हो रही है फर्टिलिटी कम हो रही है दुनिया की कैंसर बारह परसेंट के रेट से बढ़ रहा है हार्ट अटैक नंबर वन कॉज ऑफ डेथ बन गया है क्या सिचुएशन सुधर रही है कहीं पर भी एक एविडेंस नहीं है फिर कहते हैं एविडेंस बेस मेडिसिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अरे कहा कितना मूर्ख हो गया इंसान मगर भारतीय हो आप लोग और भारतीय मानुषी सबसे समझदार होती है तो अपने पढ़ाई लिखाई को साइड में रखो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें तो आपके बारे में बता देता हूं आपका व्यान शक्ति व्यान दोष वायु दोष है इसी वजह से चंचलता बहुत है शरीर में एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते और मन हमेशा ऐसे ही विचलित रहेगा पेन फैक्टर्स बॉडी में ज्यादा होते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी से अगर स्थिति खराब होगी तो वेट लूज करना चालू कर देंगे इतना ही नहीं किडनी का इश्यू आ सकता है ऐसे लोगों में आगे चल के तो व्यान दोष यानी कि व्यान दोष का फॉर्मूला भी बता देता हूं व्यान का मतलब क्या है आयुर्वेद में इसको वात कहते हैं वात का मतलब होता है प्रेशर डिविएशन बॉडी के अंदर प्रेशर का डिविएशन हो गया है वात प्रेशर होता है पित्त टेम्परेचर होता है दोनों मिलके मटेरियल मैनेज करते हैं आपके शरीर में वात पित्त कफ का नियम है आयुर्वेद का तो वात आपके शरीर में बिगड़ा हुआ है वात प्रेशर सिस्टम जो है वो बिगड़ा हुआ है इसको फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो आप अगर पांच काउंट का पांच सेकेंड की सांस भरेंगे बीस सेकंड का रोकेंगे दस सेकंड का एक्जेल कर पाएंगे तो आपकी वात शक्ति अच्छी है यानी वो आप में डिफिकल्ट एग्जेलेशन की स्ट्रेंथ आप में कम है इसी वजह से बॉडी का रिलैक्सेशन भी कम है रिलैक्सिंग एबिलिटी बॉडी की कम होगी रिलैक्सिंग एबिलिटी नहीं होगी तो ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन भी आता है और मन की चंचलता तो रहते ही विचलित हमेशा एक्टिविटी प्रोन होते हैं आराम से एक जगह ज्यादा समय तक बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकते मुश्किल होती है क्योंकि रिलैक्सिंग एबिलिटी बॉडी की बहुत कम है तो ये रिलैक्सिंग एबिलिटी यानी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ ऑफ ये कैसे बढ़ेगा लंबा करके एबिलिटीशन नहीं बढ़ता ये कुंभक से ही बढ़ता है तो कुंभक ही आपके इनहलेशन का भी स्ट्रेंथ है एक्जलेशन का भी स्ट्रेंथ है कुंभक अलग अलग तरीके से देखा जाए तो आपके ऑर्गन फंक्शन का स्ट्रेंथ है अगर एक्जलेशन लंबा करेंगे कर पाएंगे तो आपका लिवर अच्छा होता अगर एक्जलेशन वीक होगा तो लिवर खराब होने के या फैटी लीवर या लीवर का कोई इश्यू सिरोसिस से लेके हेपेटाइटिस कुछ भी कह लो वहां तक बढ़ने का चांस रहता है ठीक है ना एक्सलेशन अगर वीक होगा तो इनहलेशन अगर वीक होगा तो किडनी का इश्यू आने का चांस होता है और एक बात और बताऊं मैं आपको एक्जलेशन वीक होगा तो इनहलेशन स्ट्रांग नहीं रह सकता तो एक बीमारी आती है उसके बाद में दूसरी बीमारी आती है उसके बाद में तीसरी बीमारी आती है ज्यादातर लोगों को ये एक्सपीरियंस है है ना डायबिटीज आएगी उसके बाद ब्लड प्रेशर का इशू आ जाएगा उसके बाद पता चला किडनी का किसी को इशू आ रहा है किसी को न्यूरोपैथी आ रही है किसी को ग्लूकोमा का प्रॉब्लम आ रहा है किसी को लिवर का इश्यू आ रहा है इस तरीके से चलता रहता है तो मगर जड़ जो है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यान शक्ति कम है व्यान शक्ति जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये देखेंगे इसमें डिसीजन मेकिंग भी होता एक एबिलिटी होती है डिसीजन में सब आपस जुड़े हुए हैं आपका माइंड और आपका शरीर अलग अलग नहीं है और इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है प्रेशर टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है वात सबसे पावरफुल चीज होती है आयुर्वेद के हिसाब से भी अस्सी तरीके की बीमारियां वात की वजह से होती है उसी के अंदर पितका आता है फिर फ्वर्टी और ट्वेंटी कफ तो कहने का मतलब जो वात है वो प्रेशर है और कुंभक वात और पित्तर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को बैलेंस करने का सबसे स्ट्रांग मकानिज्मिटी है जो आपके शरीर की ही एबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर आपको ठीक नहीं करता हमेशा करता ही है ना बस उसके ठीक करने की एबिलिटी को हम बढ़ा देंगे आप ठीक हो जाएंगे ज्यादातर लोगों को डायबिटीज है ही नहीं ज्यादातर लोगों को डायबिटीज नहीं है मगर आपको भी अच्छा लगता है ना आपके ऊपर टैग लगता है तो अरे मुझे डायबिटीज है अरे मुझे ये नहीं खाना वो मतलब ये एक तरीके का लग्जरी है मगर आप समझो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है <laughs> स्वामी जी क्रॉनिक एलिमेंट्स आर बिकमिंग है और कुछ भी नहीं सो so, uh, जी प्लीज डू नॉट आस्कट प्रोग्राम एटसेट्रा

understanding the root cause is uh, basically we are not healing ourselves and uh, i think so i feel i'm not relaxed most of what, the time. what kind of doctor you are? i'm an allopathic doctor. no, 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 no. What's all uh, i'm a general practitioner, family physician. okay, okay, okay. it is not about allopathic doctors. इट इज देखो आप जाके कहीं पर ट्रेनिंग लेते हो तो बेसिकली यू आर टेकिंग ट्रेनिंग इन प्रोटोकॉल आप तो प्रोटोकॉल का ट्रेनिंग दे रहे हो और प्रोटोकॉल कौन रन कर रहा है देर इज समी सिटिंग समवेयर प्रोटोकॉल एंड बिकॉज देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी है यहां से थोड़ा लाइफ अच्छी हो जाएगी पैसा मिल जाएगा या एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में ये तो हम अपने बच्चे को चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाए देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट ऐसा ही होगा लेकिन ऐसे ही अगर हम किसी और पैथी को जो कि एक्चुअल में रिजल्ट दे सकता है उसको बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगा फिर द प्रॉब्लम इज द रूट ऑफ एलोपैथी जहां से इसकी शुरुआत हुई शुरुआत तो इसकी बहुत अच्छे इंटेंशन से हुई लेकिन जो बीच में इसने टर्न लिया टुवर्ड्स एवरीथिंग केमिकल वो बहुत गलत टर्न ले दिया, क्योंकि उनको पेट्रोलियम वेस्ट को बेचना था क्योंकि पेट्रोलियम वेस्ट जो था वो बेचना था पेट्रोलियम वेस्ट का मॉलिकुलर मॉडिफिकेशन हम आराम से कर सकते हैं और वो मॉडिफिकेशन करके अब ह्यूमन बॉडी के अंदर डालना इससे बड़ा क्रिमिनल एक्ट तो ह्यूमन हिस्ट्री ने देखा नहीं तो ये चीज हमको तो समझना पड़ेगा क्योंकि ये सभी बीमार होते जाएंगे हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे फिर अभी क्या करें देखिए आपको मैं बताता हूं एक चीज आपके अंदर बहुत अच्छा है देखो एक चीज आपके अंदर बहुत अच्छा है आपका पुण्य बहुत अच्छा था आपका पुण्य था जिसकी वजह से आपको लाइफ में सक्सेस भी मिला बट वो पुण्य ही क्या करता है आपको जीवन से चुक्त कर देता है निकाल देता तो एक ऐसा टाइम आया जहां आप अध्यात्म की तरफ में घुस गए स्पिरिचुअलिटी की तरफ में आप चले गए स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो जीवन से निकलने का तरीका है और इसका कारण यह था कि आपका ना उदान बहुत ज्यादा अपान बहुत कम है होल्डिंग योर योर सेल्फ टूअर्ड्स लाइफ वो जो स्ट्रेंथ है आपके बॉडी का वो वीक हो गया तो जीवन में वो रस नहीं आ, आने लगा सडनली आध्यात्मिक में ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया मगर शरीर भी अब होल्ड नहीं कर पा इसको कहते हैं अपान शक्ति आप देखेंगे तो आपकी इनहलेशन की स्ट्रेंथ बहुत कम है ठीक है तो अगर आप एक्सेल करके थोड़ा रुक जाए उसके बाद इनहेल करने की कोशिश करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा तो इनहेल करने की स्ट्रेंथ कम है यानी कि आपकी जीवन से जोड़ने की जो शक्ति है वो कम हो गई वो कम हो गई आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा है लेकिन जीवन से को रोकने की शक्ति कम हो गई हम लोग हमेशा ना एक तरफ में देखते हैं कहते हैं ये अच्छा ये बुरा ऐसा कुछ भी नहीं होता एक चीज अच्छी होती है दूसरी चीज बुरी हो जाती है उसी के साथ में आप सोचते हैं खुशी चाहिए मगर बिना गम के खुशी नहीं मिलती क्योंकि दोनों एक ही चीज है अगर आनंद चाहिए तो वो अलग है वो खुशी नहीं है वो गम नहीं है वो दुख नहीं है आनंद एक अलग वर्ड है मगर उसको भी हम खुशी के साथ में जोड़ देते हैं ये हमारा सोच ही गड़बड़ हो गया क्योंकि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है ना वो हर मैजिस्ट्री का एजुकेशन सिस्टम है क्लर्क बनाने के लिए ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल ऑफ एजुकेशन और उस पर भी लोगों को कैस किस तरीके से गुलाम बनाया जाए किस तरीके से बिलीवर बनाया जाए ये सब ये सब के कारण हम जीवन को देख नहीं पा रहे जबकि ये बड़ी आसानी से देखा जा सकता है आप लोग सब समझदार हो आपका जेनेटिक्स ही समझदार है वो जो आप पढ़ रहे हैं ना वही बोल रहे हैं वो गड़बड़ी है तो अपान अपान शक्ति जैसे ही आपका बढ़ेगा आपके अंदर स्थिरता आ जाएगी आपको मालूम है स्पिरिचुअलिटी करने के लिए भी हमको भूमि तैयार करनी पड़ती थी या तो आप बहुत ज्यादा पृथ्वी तत्व जहां पे है या योनि स्थान है वहां जाओ यानी स्पिरिचुअलिटी के लिए कहां जाते थे अमरकंटक जाते थे नर्मदा का उद्गम स्थान है गंगोत्री यमुनोत्री उद्गम स्थान है वो योनि स्थान है या फिर पहाड़ के अंदर जो कि आपको होल्ड कर सके नीचे अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी में आप शरीर बहुत जल्दी छोड़ देते अब आप शरीर जानबूझ के ऐसे तो नहीं छोड़ा हुआ मगर ऑलमोस्ट ढीला छूटा हुआ है जब शरीर छूट जाएगा तो पकड़ नहीं बनेगी तब आप उल पटांग बातें करने लग जाएंगे क्या कि नहीं नहीं हम तो इतने में संतुष्टि कर लेते हैं अरे जीवन संतुष्टि के लिए नहीं होता जीवन बहुत इंटेंसली जीने के लिए होता है आध्यात्मिक की चिंता कोई भी ना करे जीवन ठीक से जी लेंगे अध्यात्म अपने आप होगा तो अपान्य शक्ति कम है इन की स्ट्रेंथ कम है बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम है डेफिशिएंसीज हो सकती हैं आपको जैसे ऐसे में कई लोगों का एच काउंट कम होता है कई लोगों को वाइटामिन डिफिशियंसी अलग अलग होती है ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांस होते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ कम है बॉडी के अंदर डेंसिटी बोन डेंसिटी कम होगी ऐसे में ऐसे में क्या होगा कि फैलाव शरीर में ठीक से नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं होगा है ना ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा नहीं होता बॉडी के अंदर तो ऑब्वियसली आपके शरीर में वो स्ट्रेंथ फील नहीं होगा रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ कम होगा बार बार इम्यूनिटी रेज करेगी ऐसे कई लोगों में क्या होता है जिनका की अपान शक्ति कम होती है ऑटो इम्यून सिंड्रोम आ जाता है तो इस तरीके के सिंड्रोम आ जाते हैं और आजकल हम क्योंकि शरीर को काम नहीं करने दे रहे किसी ना किसी केमिकल बॉम्बिंग से तो हर एक इंसान ऑटो इम्यून सिंड्रोम की तरफ में जा ही रहा है बिकॉज यू आर डिविएटिंग द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी आप रोक रहे हैं ना कोई भी देखिए एगेस्ट एंटेगनिस्ट यही तो दो मेडिसिन आप दे सकते हैं शरीर को यानी आप शरीर के फंक्शन के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हो बिकॉज वी हैव चेंज द एक्सटर्नल सिचुएशन बाहर का हमारा एनवायरमेंट पूरा बदल गया चाहे वो एयर का एनवायरमेंट हो चाहे वो फूड का एनवायरमेंट हो बाहर हर चीज को हमने बदल दिया तो बॉडी भी तो अडेप्ट करेगा आप अडेप्ट ही नहीं करने दे रहे बिकॉज यू हैव एन आइडिया कि ये सही शुगर लेवल है ये सही ब्लड प्रेशर है ऐसा कुछ भी होता नहीं है मगर ये गुलाम बनाने का तरीका है कि इसको स्टैंडर्ड मान लो ये अच्छा है जी सारे वही करने लग जाएंगे आपका ब्लड प्रेशर कभी भी 120 ट्वेंटी बाई नहीं होना चाहिए और उससे कम हो गया तो आप काम नहीं कर पाओगे लो ब्लड प्रेशर में यूल नॉट द होल्ड ऑन एनीथिंग तो एज प्लस हंड्रेड प्लस टेन होना चाहिए आपका कम से कम मतलब ये तो मिनिमम है कि चालीस साल के हैं तो कम से कम आपका ब्लड प्रेशर एक सौ साठ के आसपास नॉर्मल है एक सौ पचास साठ के बीच में नॉर्मल है मगर अगर दवाई ज्यादा बेचनी है तो क्या करना पड़ता है तो आप केवल वो स्टैंडर्ड को नीचे कर दो है ना कोलगेट ज्यादा बेचना है तो उसका नॉर्डल बढ़ा दो तो ये सब देखो ये सब ठीक है कोई पैसा कमा रहा है कोई बुरी बात नहीं आपको बेवकूफ बना के भी कमा रहा है तो मैं तो उसको भी बुरा नहीं मानता आप बन रहे बेवकूफ है ये आपके लिए प्रॉब्लम तो अपान्य शक्ति अगर आपको बढ़ानी पड़ेगी अगर ये बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका ना बैलेंस आउट हो जाएगा जो ऊपर की ओर जा रही है और द होल्ड ऑन द विल गेट बैलेंस आउट एंड विल सी The recovery factor in your body will improve. infection Thank you so much, Guruji, for enlightening me. Uh, thank you, ma'am. As a doctor, we are happy that you came and uh, you know put forward your question because everyone needs to explore. So I hope we have your permission to use this section of the webinar as a. Definitely. I mean, I am so much glad that uh, you, know, you chose me and. Uh, the way guruji explained everything uh, i've been looking for some cure you know because definitely i believe because uh, bharat bhumi may like how guruji explained you know like uh pe sab cheez ka solution hai. so i think so it was uh, god sent you know because i was searching i'm searching for years together you know to get some solution and when i came across this kumbaka when i saw his video i said i just have to attend this webinar and join this and definitely get out of this and the way he explained i mean it's like uh, of course he does face reading and he's really i mean uh, an enlightened person you know mm -hmm. aap what ke bata sakte ho, ho ki, kya And is and kaunsi, uh, deficiency hai, kya cheez, kaunsi, uh, apan shakti, shakti the different things he explained is beautifully he's putting things together thank Very you Yes. So, uh, this is the this is actually the USP, or rather, what makes Pumbak therapy designed by Swami Rajivibu very, very special, very different, and very, very effective, which is pran shakti diagnosis and individual customization. We'll take up a few questions. There are some questions about somebody has done another diabetic reversal program. And managed to bring sugar levels down. Will this program also help in keeping sugar levels in check? Somebody asked mera hba1c is 7.5 Will it help me reverse it? I don't know. Since when sugar became a culprit? Sugar कब से criminal हो गया पता नहीं. Sugar की वजह से ही या glucose या फिर उसी की वजह से ही animal kingdom survive कर रहा है. आप उसको कितना नीचे करना चाहते और क्यों करना चाहो डोंट यू वॉन्ट टू लिव लाइफ डू थिंक यू लिव फॉर एवर तो जितना भी समय आप अगर बहुत एनर्जी के साथ में जी सके वो बहुत अच्छा है ना कमाल की बात है आप ये भी नहीं देख रहे कि आपके ब्लड में तो इतना शुगर है मगर आप एनर्जी में तो बहुत वीक है तो क्या फूड से आपका वो चीज ठीक हो जाएगा तो वन वे ऑफ लुकिंग एट डायबिटीज इज द डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रे इन योर बॉडी हैज गॉन डाउन आपके शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी नीचे आ रही तो आपको एनर्जी नहीं मिल रहा वो एनर्जी प्रोडक्शन का सिस्टम ही खराब हो गया अगर मैं इसके बारे में और थोड़ा ज्यादा बोलूं तो बड़ा गंभीर बात हो जाएगी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अगर आपके बॉडी का डिविएट कर जाता है तो हर एक को कैंसर अटैक किया जा सकता है क्या आपको मालूम है क्योंकि कैंसर का कोई डायग्नोसिस या कैंसर पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं होता है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एनमली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन अगर डिवेट होगा तो उसको कैंसर टैक किया जाता है क्या आपको मालूम है इस बात का कैंसर का कोई भी डायग्नोसिस नहीं होता कैंसर पता लगाने का कोई भी तरीका नहीं है अनलैस एंटिल द ट्यूमर इज जस्ट ग्रोइंग केवल वही एक विजुअली अगर हम देख सकते हैं इसके अलावा कैंसर पता लगाने का कोई कौन सा तरीका कोई भी तरीका नहीं इट इज जस्ट ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हम ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन देखते हैं तो हर एक डायबिटीज को कैंसर ट्रैक किया जा सकता है अगर हम टेस्ट करना शुरू कर दें सपोज करो कल सरकार ने कैंसर का टेस्ट कंपलसरी कर दिया हर एक के लिए <laughs> बहुत खतरनाक सिचुएशन <situation> है <laughs> आप लोगों में से कई लोगों को जो है कैंसर टैग किया जाएगा जबकि कैंसर नहीं होगा आपको तो ये भी हमको देखना पड़ेगा इट इज नॉट जस्ट देखो धंधा अपनी जगह चलता है ठीक है मगर एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग ह्यूमैनिटी और ह्यूमन बॉडी नहीं तब सही नहीं है तो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन माइट्रोकॉन्टिया डेंसिटी कौन सी दवाई है जो माइटोकॉन्टिया डेंसिटी को बढ़ा देगी कौन सी फूड है फूड तो आपकी एनर्जी कम करता है कितने लोगों को मालूम है फूड एनर्जी बढ़ाता है सब सब हाथ उठाएंगे कितने लोगों को मालूम है फूड एनर्जी बढ़ाता है सबको मालूम है यही बात मैं प्रूव करूं ये गलत है पचास साल तक भोजन किया कमजोर हुए ताकतवर हो गए अस्सी साल का इंसान अस्सी साल तक फूड खाते हुए सुपर ह्यूमन सुपरमैन बनना था ना उसको सुपर ह्यूमन हो जाना चाहिए था उसको क्या हुआ वीक हो गया चल नहीं पा रहा मृत्यु की तरफ अग्रसर तो भोजन खाके तो वो मर रहा है अब आप लगे हुए हैं फूड को इधर चेंज करके उधर चेंज करके मगर फूड को ज्यादा चेंज करेंगे तो प्रज्ञा अपराध करेंगे शरीर का जो बोध होता है ना उसके खिलाफ में चले जाएंगे शरीर की जो समझ है ना प्रज्ञा है जो समझ है उसके खिलाफ में चले जाएंगे और अगर शरीर के खिलाफ में आप जाएंगे तो आपको शरीर सपोर्ट करेगा या विरुद्ध जाएगा आपके थोड़ा क्वेश्चन पूछिए आप खुद ही समझदार हैं आपको ही पता चल जाएगा ये क्या कर रहे हैं शुगर बढ़ जाता है तो क्या शरीर उस शुगर को कम नहीं करता फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके उसको निकाल देगा ना ग्लूकोज को लेकिन आपको ब्लड में शुगर नहीं चाहिए ऑर्गन के टिश्यूज में चले जाए तो चलेगा फैशन क्या है ब्लड में नहीं चाहिए शुगर किडनी में चाहिए शुगर हार्ट में चाहिए शुगर लिवर में चाहिए ब्रेन में चाहिए किडनी खराब होगा तो चलेगा ना फैशन तो नहीं है ना किडनी खराब भी हो गया तो चलेगा लिवर खराब हो गया चलेगा हार्ट अटैक आ गया चलेगा बिल्कुल चलेगा हार्ट अटैक आना तो बहुत गर्व की बात होती है आ गया ब्रेन का तो भी चलेगा मगर ब्लड में शुगर नहीं तो आप उस शुगर को निकाल के जैसे कि घर में सोफा है ना सोफे के अंदर कचरा डाल दो मतलब घर साफ हो गया तो आपने ब्लड से शुगर निकाला मेटफॉर्मिन खाया ग्लेबन क्लामाइड ग्लैक्लाइड या फिर रोजिग्लिटोजोन ग्लिटरज़ोन इस तरीके की दवाइयां खा लेते हो तो क्या होता है कि वो शुगर आपके ब्लड से निकल के टिश्यूज में घुस जाता है तो अब आपका ऑर्गन डैमेज हो ऑर्गन डैमेज अपने आप नहीं होगा अनलेस एंड अंटिल आप फोर्स करोगे उसको डैमेज करने का शरीर को का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बड़ा इंटैक्ट है देर इज अलियंस ऑफ इस ऑफ प्रूफ एक साल का प्रूफ नहीं है लाखों सालों का प्रूफ है कि मानव का शरीर या कोई भी जानवर का शरीर प्रोटेक्टिव होता है अपने को बचाने के लिए बनता है उसके पास सारे मैकेनिज्म है उसको बचाने के लिए बहुत इसके आपको आजकल डेटा रखा गया है सत्तर अस्सी साल का तो इनु कम्युनिटी ऑफ कनाडा आप जरा गूगल करके पढ़ना है ना ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑफ अमेरिका भी तो अमेरिका में चल रहा है ना उस सारे के सारे लुटे रही तो है जो असली मालिक है वहां के रेड इंडियन उनको तो मार मार के कितने करोड़ों को मार दिया चार चार जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं सोचो वो उन्होंने उस टाइम पे पूरे रेडिंड को सफाया कर दिया अफ्रीकन अब का बर्बाद कर दिया सबको डेटा अवेलेबल है उनको कोई बीमारी नहीं होती थी जैसे ही उनको सिविलाइज करना शुरू किया 25 साल के अंदर उनको ये सारी बीमारियां आ गई आप शरीर के विरुद्ध जा रहे हैं आप क्रिमिनल हैं इससे बड़ी क्रिमिनल आप कुछ भी नहीं क्योंकि ये आपको ही बर्बाद नहीं करेगा आने वाली सारी जनरेशन आपके जेनेटिक्स को बर्बाद कर देगा आपको मालूम है जेनेटिक डिविएशन हो चुका है पिछले सौ साल में ह्यूमन बींग का जीनोम बदल चुका है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्ट हम कर रहे हैं और वो भी उसके साथ में साइंस का टैग लगा के उसके साथ में अच्छाई का टैग लगा के कर रहे हैं और डेटा को मैनिपुलेट किए जा रहे हैं सर्वाइवल रेट बढ़ गया किससे सर्वाइवल रेट बढ़ गया आपके दादा तो कितने साल जिए आपके परदादा कितने साल जिए और आप कितने साल जियोगे तो हर चीज मैनिपुलेशन पे चलेगी तो फिर कैसे अच्छा होगा तो शुगर लेवल क्या है और उसको आपको ऑर्गन में क्यों डालना है शरीर को निकालना है दो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके निकाल देगा कोई भी नेचुरल डायबिटिक खा लोगे कड़वा खा लोगे शुगर कम हो जाता मगर मेटफॉर्मिन खाके क्यों शुगर कम करना है जब करेले का जूस पी के भी हो जाता है कड़वा टेस्ट कोई भी खाओगे कड़वा टेस्ट डाइबेटिक होता है आप कड़वा खाओगे यूरिन बार बार आएगा दस्त भी हो जाएंगे हो सकता है शुगर लेवल कम एकदम से कम आ जाए मगर दवाई क्यों खानी है आपको क्योंकि दवाई किसी का पेटेंट है आप दवाई खाओगे तो उसको पैसा जाएगा और शुगर लेवल तो बॉडी अपने आप कम करेगा ही करेगा वो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन लाएगा ही लाएगा अब बोलोगे नहीं ये भी गलत है हर चीज तो गलत बोल दिया ये बॉडी जो भी काम करना चाहता है इसको गलत बोल दिया ये गलत वो फीवर आएगा तो गलत दर्द आएगा तो गलत हो गया प्रेशर बढ़ाना प्रेशर प्रोटेक्टिव होता है प्रेशर बढ़ाएगा तो गलत हो गया तो आपको थोड़ी समझ लानी है अगर डायबिटीज को सही तरीके से डिफाइन करेंगे तो हंड्रेड परसेंट रिवर्सेबल है आप कुछ भी करके डिफाइन करोगे फिर कम करने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करता इट हैजेंट वर्क इन द लास्ट हंड्रेड ईयरस सौ साल में तो काम नहीं किया और आप अभी किसका वेट कर रहे हो ये भी बता दो सौ साल में तो काम नहीं किया अभी और आपकी हालत खराब करने की आपका रिस्क कम कभी भी नहीं होता मेडिसिन से इनफैक्ट बढ़ता तो अगर आप अपना प्रोग्नोसिस भी अच्छा करना चाहते हैं अगर अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर भी बनाना चाहते हैं तो पर भी बॉडी का जो रिकवरी मैकानिजम है उसको स्ट्रांग करना ही पड़ेगा माइटोकॉन्ट्रिया डेंसिटी बढ़ानी है जो कि असल में डायबिटीज का डेफिनेशन उसी हिसाब से होना चाहिए था वो कुंभक माइटोकॉन्ट्रिया डेंसिटी बढ़ाता है ना फूड बढ़ाएगा ना डाइट बढ़ाएगा आपका ना कोई मेडिसिन बढ़ाएगी चाहे वो केमिकल हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो जड़ी बूटी हो नेचुरल हो कोई भी आपकी डेंसिटी को नहीं बढ़ाएगी मगर प्रेशर जनरेट करेंगे तो तो कुंभक ही रिवर्सल है। इसके अलावा कोई रिवर्सल है ही नहीं आप अगर एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी उसमें काम क्या करता है आप सांस रोक के ही तो वजन भी उठाते हैं सांस रोक के जोर लगाते हैं तो बेसिकली कुंभक ही काम कर रहा है वहां पर उसका जो कोर है वो कुंभकी है स्वामी जी दिस इज वन क्वेश्चन विच हैज बीन शेयर्ड विद अस सेपरेटली आई एम डायबिटिक फॉर लास्ट टेन इयर्स आई डिडंट टेक एनी मेडिसिन एज पर योर फिलोसफी बिकॉज बॉडी विल intimate me if anything is bad but suddenly i got brain stroke in november 2023

रिकवरी स्ट्रेंथ हमने ही कम किया है बाय टेकिंग मेडिसिन बाय टेकिंग डिविएटेड फूड हाइब्रिड इनऑर्गेनिक प्रोसेस जेनेटिकली मॉडिफाइड एनवायरमेंट को चेंज करके हमने बॉडी का रिकवरी स्ट्रेंथ को डिविएट किया है तो अगर आप सोचते हैं कि ड्रग एडिक्ट को ड्रग छुड़वा दो तो काम हो जाएगा अरे बाबा उसको हार्ट अटैक आ सकता है दिस I have never said this, कि ड्रग एडिक्ट तो एकदम से ड्रग छीन लो उसका ये तो मैंने बोला ही नहीं कभी मैंने कहा है कि पहले उसकी शरीर का टॉलरेंस बढ़ा दीजिए पहले शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा दो एंड स्लोली कम आउट ऑफ योर केमिकल मेडिकेशन जित जैसे ही केमिकल मेडिकेशन आपकी बंद होगी बॉडी और फास्ट रिकवर करेगा बट यूल है रिकवरी स्ट्रेंथ अब एक ड्रग एडिक्ट का टॉलरेंस नहीं है उसके बॉडी के अंदर वो रोज ड्रग ले रहा है आप एक दिन छीन लेते हो तो बॉडी सर्वाइव कैसे करेगा ये तो बताओ तो गलती क्या की गलती कहां पे हो रही है बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा दो उसके एंड देन स्लोली टेक द ड्रग ऑफ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कुंभ करने के बाद में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा स्मोकिंग का मन नहीं कर रहा अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते थे अब कम हो गया अब नहीं ले पा, ले रहे तब भी आराम से वियर है ना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा हमें सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं आ रहा क्योंकि झेलने की क्षमता बढ़ गई टॉलरेंस बढ़ गया जो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा था बार बार क्योंकि आपका बॉडी वीक था बॉडी को बचाने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स तो होगा ही ना उसको गलत बोल देते दे तो, कहते हैं ऑटो इम्यून हो गया अगर बॉडी का टॉलरेंस अच्छा होगा तो वो इम्यून रिस्पॉन्स इतना फास्ट तो नहीं होगा इतना फ्रीक्वेंट तो नहीं होगा तो आपका ठीक हो गया टॉलरेंस बढ़ा लो बट वॉट इज टॉलरेंस यू टू डिफाइन दैट प्रॉपरली झेलते कैसे हैं दस किलो का वेट कैसे उठाते हैं सांस रोक के उठाते हैं बीस किलो उठाना हो तो ज्यादा रोकना पड़ेगा तो क्या आपने इस पर काम किया नाउ यू कांट से कि मैंने कभी दवाई नहीं ली तो मैं ठीक हो जाऊंगा क्योंकि आपके चारों ओर का इन्वायरमेंट ही डीएट हो चुका है आप भोजन क्या खा रहे हैं आप वही खा रहे हैं ना जो मिलेगा मार्केट में इज रिस्क फॉर द बॉडी क्योंकि आपका लिवर जो है वो दूसरा ब्रेन होता है वो आपके फूड को रिकग्नाइज करता है वो ये जानता है कि आपके पूर्वज क्या खाते थे आज जो फूड ले रहे हैं वो लिवर क्या कह रहा है ये तो मैं जानता नहीं ये क्या है पता नहीं तो ऐसे में और जरूरी नहीं हो जाता कि आप कुंभक करो क्या यह कंपलसरी नहीं होना चाहिए आज हर एक के लिए आइडियली होना चाहिए और उसके बाद आप अगर छोड़ भी देंगे मैं आपको और गारंटी दे सकता हूं आपको हार्ट अटैक भी आ जाए ना तो भी कुछ नहीं होगा अगर कुंभक कर हमारे पास है ऐसे प्रूफ जेनेटिक डिविएशन को हम रोकते हैं हम फर्टिलिटी का एक प्रोग्राम करते हैं उसके अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट ठीक हो जाता है कुंभक से तो ये तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप लोग जुड़ोगे आप फायदा लोगे इससे और हमें चीजें पता चलती जाएंगी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मगर ये ना कहें कि मैंने तो कुछ भी नहीं लिया फिर भी मेरी मेरा शरीर खराब हो गया आप बूढ़े ही हो रहे हैं एक इंसान बता दो इस दुनिया में जो जवान हो रहा है कोई भी हो रहा है नहीं आप बूढ़े ही हो रहे हैं और जिस तरीके का हमारा इकोसिस्टम है वो आपको बर्बाद करने के लिए ही लगा हुआ है आप कितना उसको झेल पाते हैं कितना उसके अगेंस्ट में काम कर पाते हैं उतना आप ठीक रहेंगे ये तो आपको समझना पड़ेगा कुंभक कर रहा बंदा जो है ना उसका बायोलॉजिकल एज थोड़ा कम होता है ये भी बता देते तो आप जवान भी होंगे। योगी जी देर इज वन क्वेश्चन Reverse diabetes, it did not work. We've asked if the sugar levels are still high. So, there are a lot of people on Facebook, YouTube making false promises, and uh, they all proved to be fake. Yes, uh, after additions and suggestions suggested by fake people, my sugar levels are still high. This is the person who tended another. Ha, that is why we are saying sugar level is not diabetes. Even if you have sugar level high, it can be adaptation. शुगर लेवल हाई है मगर आपको कोई डायबिटीज का सिम्टम नहीं है तो क्या आपको डायबिटीज है आपको डायबिटीज है ही नहीं और वो काम हम करवा देंगे आपको आपका इम्यून फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो जाएगा आपका रिकवरी स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगा रीजनरेशन बढ़ जाएगा आपका रिस्क कम हो जाएगा लाइफ का ये हम कर देंगे दिस इज रिवर्सल ऑफ डायबिटीज नैरेटिव जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके आसपास बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं एंड टेक एडवांटेज ऑफ देखो उनकी गलती नहीं है जो ऐसा फेक प्रोग्राम बेच रहे हैं उनकी गलती क्या आता है बताओ हमने तो नैरेटिव यही क्रिएट किया हुआ तो इसी को लेके कोई अपना माल बेच रहा है उसको भी तो पैसे कमाना है रोटी खानी है क्या गलत हो गया उसमें आप उसको मान रहे हो नहीं मान रहे वो आपके ऊपर है आपको तो फोर्स नहीं किया उसने प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए उसने कुछ बोला आपने मान लिया आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया तो उसमें उसकी क्या गलती है बताओ हर एक बंदा अपनी तरफ से काम करने की कोशिश करेगा ना पर आपको समझना आपको समझना दैट इज वाई वॉट आई एम सेइंग इज यू आर इंटेलिजेंट पीपल आप लोग समझदार लोग हैं आपको कुछ भी नेगेटिव में घुमा फिरा देते हैं आप सोचो ना दिस इज योर बॉडी एंड योर बॉडी विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू नो बडीस इन द वर्ल्ड विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता आपकी केवल आपका शरीर लेता है तो उसको एम्पावर करो और क्या डायबिटीज है उसको भी हमारे को नगरटिव भी तो बदलना पड़ेगा सो कुंभक करने से वो सारी चीजें जिसको आप डायबिटिक सिम्टम कहते हो जिसकी वजह से रिस्क ज्यादा होता है लर्म वो सब ठीक हो जाएगा

Is there any link between diabetes diabetes or um, and getting rheumatoid arthritis? ठीक तो नहीं हुई है शुगर लेवल आपको नीचे ला गया वो तो खाली पेट रहो वैसे भी आ जाएगा आपको तो. आप शुगर लेवल नीचे लाने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप इनपुट वैसे ही कम कर दोगे तो आपका शुगर लेवल कम हो जाता है बट दैट इज नॉट अ गुड लाइफ आप खा ही नहीं पा रहे तो डायबिटीज रिवर्स हो गया क्या आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज रिवर्स नहीं हुआ है ब्लड शुगर लेवल कम करके नहीं होता दूसरी बात आर्थराइटिस एंड डायबिटीजेडर से ही और दोनों एक ही चीज है तो ना तो डायबिटीज हुआ है ना तो और उस पर अभी और भी एड होगा चिंता मत करो बिकॉज डेफिनेशन इज रॉन्ग दैट इज वॉट आई एम सींग अगर कुंभक करोगे तो आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा ये भी बोल रहा हूं उससे पता चलेगा कि मेरी डायबिटीज भी नहीं है और मुझे और दूसरी प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि मेरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक हो गई मगर जो आप बता रहे हो उसमें ना तो डायबिटीज ठीक हुआ है ना तो और बल्कि डायबिटीज की वजह से आर्थराइटिस है अभी और भी आएंगी चीजें चिंता मत करो अभी और भी आएगा बिकॉज इट्स अ फॉल्स नैरेटिव दैट इज गोइंग ऑन ये बेकार की बातें हैं आप भी इस बात को समझ सकते हो केवल एक दूसरा डेफिनेशन दे देने से कोई चीज ठीक या गलत नहीं हो जाती क्योंकि किसी ने आपके साथ में एक गेम खेल दिया थैंक यू स्वामी जी फॉर टेकिंग आउट टाइम टू आंसर क्वेश्चन <laughs> there are more questions that are coming in, but some of them are university related.